Welcome back to my channel. I am Annie and I am here to help you with your spoken English, your vocabulary and your communication skills. और शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ वेरी हैप्पी दिवाली. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में. मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स और एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आप आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं या मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वो यहाँ देख सकते हैं या फिर आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है इसीलिए उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 7% ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. मतलब आपके पूरे कम्युनिकेशन स्किल्स में ओनली 7% वर्ड्स का होता है और बाकी चीजें जो होती है वो आपका आई कॉन्टैक्ट, बॉडी पोस्चर, आपका लैंग्वेज, उस पर डिपेंड करता है. तो आप नेक्स्ट टाइम मुझे बिल्कुल मत कहिए कि आपकी इंग्लिश खराब है इसलिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है. आप जो भी बोल रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप वो कैसे बोल रहे हैं, आप सामने वाले को आपके आइडियाज़ कैसे सुनाते हैं. आइए बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में. कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो होता है वो होता है आपका बॉडी लैंग्वेज. तो ये सब आप जानते ही होंगे बट फिर भी मैं कह देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते. तो आप जिससे भी बात कर रहे हैं मेक श्योर यू हैव आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट रखने से आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसके मन में एक इंटरेस्ट की फीलिंग डेवलप होती है जो बहुत जरूरी होती है. नेक्स्ट चीज है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर. आपका पोस्चर हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, स्लाउच मत करना या आपके वर्ड्स को मंबल मत करना, फंबल मत करना. फ्रेश दिखना, एक्टिव दिखना, जिसकी वजह से सामने वाले को भी आपकी बातों में इंटरेस्ट आए. क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप अनइंटरेस्टेड होके बात कर रहे हैं तो सामने वाला क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा, है ना. तो आप हमेशा फ्रेश, एक्टिव, कॉन्फिडेंट ये रहना है. नेक्स्ट स्किल है आपकी लिसनिंग स्किल. अभी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, टू पर्सन्स. सो आपको कभी भी वो पर्सन नहीं होना है जो सिर्फ बात करता जाए और दूसरे को मौका ना दे. तो आपको लिसनिंग स्किल आपकी डेवलप करनी होगी क्योंकि कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग. तो जब कोई दूसरा बात कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है, उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाना है. तो आप ये इंटरेस्ट कैसे दिखा सकते हो, आप उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करो, आप स्लाइटली कभी उसकी बात पे अगर एग्री करते हो तो आप स्लाइटली नॉड कर सकते हो. लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए सबसे आसान तरीका है ऑडियो बुक्स. और आपको यूट्यूब पे हज़ारों ऑडियो बुक्स फ्री में मिल सकते हैं. आपने बस टाइप करना है आपके यूट्यूब के सर्च बार पे ऑडियो बुक्स और आपको वहाँ पे इतने सारे ऑडियो बुक्स फ्री में मिलेंगे. तो आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सुनना है या एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, पर डेली प्रैक्टिस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. यूट्यूब पे आपको हज़ारों ऐसे ऑडियो बुक्स मिल सकते हैं. तो आपने सिर्फ आपके फ्री टाइम में या कोई ऐसा काम जब आप कर रहे हो जिसमें आपका मेंटल फोकस नहीं है तो आप ये ऑडियो बुक्स सुन सकते हो और अपनी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हो. मेरी तीसरी टिप उन लोगों के लिए है जो मुझे कहते हैं कि दे आर नर्वस, आई फील स्केयर व्हेन आई टॉक. तो ये कॉन्फिडेंस का इशू जो है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो पहली चीज़ तो होती है प्रैक्टिस. तो वो तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि जो प्रैक्टिस का चीज़ है वो आपने करना है. तो आप प्रैक्टिस करिए. मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब आप नर्वस होते हो तो उस नर्वसनेस को कैसे भगाएं.
तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप जब पब्लिक स्पीकिंग करते हो या किसी और से बात करते हो आप नर्वस फील करते हो, मैं भी करती हूँ। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करती हूँ, मैं नर्वस हूँ ये मुझे पता है, मैं नर्वस हूँ ये आपको नहीं पता। जब तक कि मैं खुद से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपने वर्ड्स से, मैं जब तक आपको खुद से ना बताऊँ कि मैं नर्वस हूँ या मैं खुद वो दिखने ना दूँ कि मैं नर्वस हूँ, तब तक आपको पता नहीं चलने वाला है कि मैं नर्वस हूँ। तो इसलिए आपको करना है फेक इट टिल यू मेक इट। अभी फेक इट टिल यू मेक इट ये चीज है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, प्रिटेंड करना है कि आप नर्वस नहीं हो। जबकि आप नर्वस हो, आपको आपके ब्रेन को कहना है कि नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ। ये ट्रिक जो है वो एक्चुअल में यूजफुल है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जब पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ या क्लास में रीडिंग कर लेती हूँ तो तब मैं भी नर्वस होती हूँ, पर मैं वो मेरे वर्ड से मैं पता नहीं चलने देती हूँ लोगों को। हालांकि आई विल बी शिवरिंग, आई विल बी नर्वस, आई विल बी शिवरिंग, बट मैं मेरे वर्ड से, मेरे फेस पे वो दिखने नहीं देती हूँ। तो ये ट्रिक अगर आपने मास्टर कर ली तो यू कैन जस्ट फेक इट टिल यू मेक इट। आप जब तक नर्वस है तब तक आप वो फेक कर सकते हैं कि मैं नर्वस नहीं हूँ, और ऐसा करते करते आपका नर्वसनेस वो एक्चुअल में एक दिन भाग जाएगा। तो ये ट्रिक थी मेरी उन लोगों के लिए जो नर्वस फील करते हैं। ठीक है, नर्वस फील करते हैं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जस्ट पुट योरसेल्फ आउट देयर। जब भी आपसे कोई बात करना चाहे मना मत करना, बात करना, और ये टाइम इंग्लिश में बात करना। नो वन विल जज यू। आपको डर होता है कि अगर मैं बोलूँ या मैं गलत बोलूँ तो लोग मुझे जज करेंगे, बट आपको यही एक फियर जो है वो आपके मन से निकाल देना है। ठीक है, पीपल जज करेंगे, ठीक है, तो क्या, सारी दुनिया जज करती है, जज करना उनका काम है, करने दीजिए। आपको करना है प्रैक्टिस और लोगों के जजमेंट से दूर रहना, आपको फर्क नहीं पड़ने देना है। और अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म मिलता है तो आपने देखना है कि इसमें मेरा लर्निंग क्या है। आप जो लोग आपको आपकी गलतियां बता रहे हैं उसमें वो एक्चुअल में अगर आपके कुछ सीखने लायक है तो उसे पॉजिटिवली लीजिए। अब आइए बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको लाखों एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे। आपको सिर्फ गूगल पे डालना है एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको हजारों ऐसे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे जो आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल। दूसरी चीज़ है क्रॉसवर्ड पजल्स। आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने के, या ऑनलाइन भी आप वो खेल सकते हैं। तो क्रॉसवर्ड सॉल्व करने से आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव होती है और इट इज़ फन आल्सो। तो आपने करना है क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व रोज़ एक दो, बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज है डिस्क्राइब द पिक्चर। अभी जो लोग ICSE से होंगे उनको पता होगा कि उनके 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश पेपर में हमें एक डिस्क्राइब द पिक्चर क्वेश्चन आता था। तो बेसिकली एक पिक्चर होता था और उसे हमने हमारे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पिक्चर उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पिक्चर उठाती हूँ तो इसमें आपको क्या पिक्चर दिख रहा है, आपको क्या स्टोरी समझ में आ रही है, आप इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपने ये करना है। इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगे। आप जिस तरह से आपके दिमाग में जो भी आइडिया है वो दूसरे को कैसे रखते हैं, ये इम्प्रूव हो सकता है ये डिस्क्राइब द पिक्चर सॉल्व करने से। और मेरी चौथी और लास्ट टिप है ऑडियो बुक्स। मैं पहले भी इस चीज़ के बारे में बात कर चुकी हूँ, ऑडियो बुक्स। आपने सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है ऑडियो बुक्स और आपने वो सुनना है डेली। कोई भी नई लैंग्वेज सीखते वक्त तीन चीज़ होती है, स्पीकिंग, लिसनिंग, प्रैक्टिसिंग। तो आप स्पीकिंग और प्रैक्टिसिंग तो कर लोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ आप निग्लेक्ट करते हो या जिस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देते हो
वो होता है लिसनिंग स्किल। तो आपने आपकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करनी है ऑडियो बुक से। रोज़ एक ऑडियो बुक, दो ऑडियो बुक, कभी भी आप फ्री हो तो सुन लिया करो। इट इज़ वेरी हेल्पफुल, इट इज़ रियली हेल्पफुल। That was it for today's video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो please give me a thumbs up और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू विद ऑल ऑफ योर डाउट्स, सो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना। एंड हैव अ नाइस डे। बाय एवरीवन।